वेलकम बैक। फाइनली रेडमी ने इंडियन मार्केट में अपने दो नए टीवी 32 इंच एचडी और 43 इंच फुल एचडी को लॉन्च कर दिया है। और आज की वीडियो में यहां पर हम इन्हीं नए टीवीज के बारे में डिटेल में जानेंगे कि आपको इन टीवीज में क्या कुछ अलग देखने मिल रहा है, क्या नया देखने मिल रहा है, और साथ ही साथ क्या आपको टीवी बाय करनी चाहिए या फिर नहीं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस समय मार्केट में जितने भी अदर टीवीज अवेलेबल हैं उनके कंपैरिजन में रेडमी की ये टीवीज कैसे निकल कर आते हैं, तो इन ऑल इन टीवीज के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना। तो जैसे कि मैंने आप सभी को कहा, Xiaomi के सब ब्रांड Redmi ने इंडियन मार्केट में अपने दो नए टीवीज लॉन्च कर दिए हैं। अब इससे पहले कि यहां पर हम टीवीज के बारे में बात करना शुरू करें, यहां पर मैं आपके एक कंफ्यूजन दूर कर देना चाहता हूं। आपका सवाल होगा कि जब ऑलरेडी MI के नाम से टीवीज आ रही हैं तो Redmi के नाम से अलग से टीवीज लॉन्च करने की क्या जरूरत है। तो इसका आंसर जो है, क्लेरिफिकेशन जो है, वो ब्रांड वालों ने खुद ही दिया। और उनका कहना है कि जो Redmi की टीवीज होंगी वो थोड़ी बजट फ्रेंडली और बजट सेक्शन को टारगेट करेंगी, और जो Xiaomi की टीवीज होंगी उनमें आपको थोड़ा सा प्रीमियम फील मिलेगा और वो थोड़ी सी महंगी होने वाली है, ऐसा ब्रांड का कहना है। बाकी प्राइस में तो मुझे ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं देखने मिल रहा है। ये क्वेश्चन का आंसर जो उन्होंने दिया है मैंने आपको बता दिया है। बात करते हैं टीवीज की। तो यहां पर Redmi ने 32 इंच एचडी रेडी और 43 इंच फुल एचडी टीवी को लॉन्च किया है। अब इससे पहले स्पेसिफिकेशंस के बारे में जाने, हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार इन टीवीज में आपको क्या कुछ नया देखने मिल रहा है। तो नई चीज की बात करी जाए तो यहां पर आपको इन टीवीज में एंड्रॉइड टीवी 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने मिलता है, जो कि इस सेगमेंट में किसी भी टीवी में आपको नहीं मिलता है। अब एंड्रॉइड 11 में क्या खास है, तो यहां पर ये सबसे अच्छी बात यह है कि ये लेटेस्ट एंड्रॉयड टीवी वर्जन है। यहाँ पर सिक्योरिटी आपको अच्छी मिलती है और जो ऐप है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट लोड होते हैं, और मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर है। इसके अलावा यहाँ पर आपको इन टीवीज में पैचवॉल 4 आउट ऑफ द बॉक्स देखने मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पैचवॉल की अगर मैं बात करूँ तो स्पेशली अगर आप ऑनलाइन कॉन्टेंट देखते हैं तो पैचवॉल आप सभी के लिए बेस्ट है। यहाँ पर आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म से डिफरेंट टाइप के कॉन्टेंट आपके अकॉर्डिंग रिकमेंड करे जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर मुझे लगता है पर्सनली। MI टीवीज की पिक्चर क्वालिटी कैसी भी हो, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी अच्छा है। और एक बात यहाँ पर माननी पड़ेगी कि जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट होता है वो MI टीवीज का, Redmi टीवीज का काफ़ी अच्छा है। जनरली अगर हमें नॉर्मली किसी अदर टीवीज में बग वगैरह देखने मिल जाए तो जनरली वहां पर हमें अपडेट्स वगैरह जल्दी नहीं मिलते हैं, लेकिन Mi टीवी में मैंने ये देखा है कि जो अपडेट्स हैं वो यहां पर जल्दी आते हैं और जो इश्यूज हैं वो जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं, और 2-3 अपडेट्स भी आपको टीवी में मिलते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट है वो Mi का काफी अच्छा है, लेकिन यही सब कुछ नहीं होता है। तो पैचवेल 4 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, जहां पर आपको IMDb की रेटिंग वगैरह मिल जाएगी, अलग अलग कैटेगरीज में आपको कंटेंट कैटेगराइज करके मिल जाने वाला है, तो ये यहां पर आपको दिया जाएगा। इसी के साथ, जैसे आप सभी को पता है, इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज एंड क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट 100% लीगल है। तो अगर आप भी बिटकॉइन, इथेरियम जैसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कॉइन स्विच कुबीर ऐप की मदद से बड़े ही आसानी से अपनी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इस ऐप से इन्वेस्टमेंट करना इट्स लाइक ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना। तो बहुत ही सिंपल, इजी टू यूज इंटरफेस आपको यहां पर मिल जाता है, और इस प्लेटफॉर्म में आपको 75 से भी ज्यादा पॉपुलर एंड लीगल क्रिप्टो करेंसीज मिल जाते हैं, जिनमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 100 रुपीज से भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आपको डिपॉजिट एंड विड्रॉल पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता है, और दोनों ही प्रोसेस काफी ज्यादा फास्ट भी है। बात कर लेते हैं KYC की, तो यहाँ पर ये सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है, इसलिए यहाँ पर को पहले ही KYC करनी पड़ती है, और KYC जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट है, कुछ ही मिनटों में आपका KYC कंप्लीट हो जाता है। और इसी के साथ इस प्लेटफॉर्म ने पिछले एक साल में 10 मिलियन यूजर्स एक्वायर किए हैं, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। इसे हमें पता चलता है कि ये काफ़ी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। इनफैक्ट मैं भी अपने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के लिए कॉइन स्विच कुबेर प्लेटफॉर्म को ही यूज़ करता हूँ। और इसी के साथ अगर आप क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप इनके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एप्लीकेशन की जो डाउनलोडिंग लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अगर आप वहां से इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको 50 रुपीज का बिटकॉइन फ्री दिया जाएगा। तो जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड ट्रेड कर बेफिकर। इसके बाद जो अगली चीज यहां पर आपको नई मिल रही है वो है वो है ड्यूअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, इस सेगमेंट में बहुत ही कम ऐसे टीवी है जिनमें आपको ड्यूअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिलता है। मेरे हिसाब से इस सेगमेंट में आई थिंक मोटरोला है और ओनिडा है, इन्हीं टीवीज में आपको ड्यूअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिलता है। और अब यहाँ पर आपको रेडमी के इन टीवीज में भी ड्यूअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट दिया जाएगा। अब इसका मजा आप तभी उठा पाएंगे जब आपके पास ड्यूअल बैंड राउटर होगा। ड्यूअल बैंड वाईफाई राउटर है तो आप यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पीड और काफ़ी अच्छा रेंज ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका सिंगल बैंड राउटर ही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको
कोई इशू नहीं आने वाला है, ये खुद मैंने पर्सनली टेस्ट किया। लेकिन डुअल बैंड हो तो अच्छा होता है। इसी के साथ रेडमी के इन टीवीज में आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड का भी सपोर्ट देखने मिल जाता है, जो कि जनरली इस प्राइस पॉइंट में किसी और टीवी में नहीं मिलता है। हालांकि रिस्पॉन्स टाइम कितना है वो यहाँ पर ब्रांड ने स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन ALLM का सपोर्ट आपको इन टीवीज में दिया गया है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी गेमिंग कंसोल है और आप एक बजट टीवी लेना चाहते हो जिसमें आप थोड़ी बहुत गेमिंग वगैरह कर सको, तो उस केस में यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आ सकता है। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं जो रेडमी के इन टीवीज में नई देखने मिलती है, यानी न्यू देखने मिलती है। लेकिन ये जो भी फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स सेकेंडरी है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर जो प्राइमरी फैक्टर होता है टीवी के अंदर वो है उसकी डिस्प्ले एंड ऑडियो। आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि टीवी में अच्छी पिक्चर क्वालिटी है, अच्छी साउंड क्वालिटी है या फिर नहीं। अगर ये दोनों बेसिक फीचर्स अगर अच्छे नहीं मिलेंगे तो बाकी सारे फीचर्स का आप लेकर करेंगे क्या। तो टीवी हम लेते हैं टीवी को देखने के लिए, उसके बाद आता है यूजर एक्सपीरियंस और बाकी सारे फीचर्स। तो यहां पर ये सेकेंडरी फीचर्स तो न्यू दिए गए हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं पिक्चर क्वालिटी की, तो ब्रांड ने कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि हमने पिक्चर क्वालिटी इंप्रूव करी है, ब्राइटनेस इंप्रूव करी है, कलर्स इंप्रूव करे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। तो एक और बात यहां पर मैं कहना चाहूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रेडमी की टीवी अच्छी नहीं है, लेकिन यहां पर ये जो स्मार्टफोन वाले ब्रांड्स हैं, ये एक बहुत ही स्मार्ट टैक्टिक यूज करते हैं अपनी टीवीज को मार्केट करने के लिए, जो कि है बड़े बड़े फीचर्स बताना। यहां पर ये आपको सेकेंडरी फीचर्स एक्स्ट्रा देते हैं और उसकी ही मार्केटिंग करते हैं। और आप देखना, ये रेडमी की टीवीज की जो सेल है ना, वो मिलियंस में जाने वाली है। लास्ट ईयर भी जो MI की टीवी थी उनकी भी सेल्स काफी ज्यादा हुई थी, तो इस बार भी जाने वाली है, बिकॉज लोग जो है वो नाम और जो हाईलाइटेड फीचर्स हैं उनको देखकर टीवी बाय करते हैं, लेकिन जो फैक्टर है उसको इग्नोर करते हैं। पहले हम स्मार्ट टीवी की पिक्चर क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट नहीं देखने मिलता है। MI की टीवीज जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है 32 इंच में और 43 इंच फुल HD में, सेम वैसी ही पिक्चर क्वालिटी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। Mi TV 4 है, मेरे पास पर्सनली टीवी थी एंड मैंने उस टीवी को काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करा है। एंड Mi TV की पिक्चर क्वालिटी की बात करी जाए, जो कि बजट सेक्शन में आते हैं, मैं कहूँगा पिक्चर क्वालिटी डिसेंट मिलती है एंड आप टीवी बाय करोगे तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने इस सेगमेंट में बहुत से अदर टीवीज़ को भी यूज़ करा है, लाइक नोकिया, मोटरोला, और उन टीवीज़ को देखने के बाद पता चलता है कि यार जो MI की टीवीज़ हैं उनमें हमें ब्राइटनेस एंड कलर्स उतने अच्छे नहीं देखने मिलते हैं जितने हमें नोकिया एंड मोटरोला टीवीज़ में और बाकी सैमसंग के जो 32 इंच टीवीज़ हैं उनमें देखने मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको सिर्फ 20 वॉट के स्पीकर्स मिलते हैं। 20 वॉट इज़ डिसेंट, और अगर आपका रूम का साइज़ छोटा है तो आपके लिए इनफ होने वाला है। लेकिन मार्केट में और भी ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि आपको सेम प्राइस 40 वॉट के स्पीकर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, और मैं अगर मोटरोला की बात करूं तो वो वहां पर आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट दे रहा है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये टीवी डिसेंट निकल कर आती है, दोनों की बात करूं 32 इंच एंड 43 इंच। एंड प्राइसिंग की यहां पर बात करी जाए तो 32 इंच की जो प्राइसिंग है वो यहां पर 16,000 रुपीज रखी गई है, और जो 43 इंच फुल HD वाला वेरियंट है उसकी प्राइसिंग यहाँ पर 26,000 रुपीज़ रखी गई है। प्राइसिंग में कहूँगा यहाँ पर ठीक है, थोड़ी और प्राइसिंग कम होती तो डेफिनेटली आपको मैं इसे रेकमेंड करता, बिकॉज इस समय टीवी के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहे हैं। तो इस प्राइस पॉइंट में क्या आपको रेडमी की ये टीवीज़ बाय करने चाहिए या फिर नहीं? तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल आंसर है। देखिए, अगर आप रेडमी के फ़ैन हो, आपको रेडमी या फिर शाओमी की टीवीज़ अच्छी लगती हैं और आप जो है ज़्यादा ऑनलाइन कंटेंट देखते हैं, आपके लिए सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, देन डेफिनेटली आप जो है इन टीवीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। आपको टीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और MI का जो सर्विस है वो भी काफ़ी अच्छा है और सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। ये मैं टीवी को लगभग 1.5 साल यूज़ करने के बाद ही बता रहा हूँ, मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है MI टीवी के साथ में। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी, टीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा अच्छा है और आप थोड़ा वेट कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको मार्केट में इससे अच्छी पिक्चर क्वालिटी और अच्छी ऑडियो क्वालिटी वाले टीवीज़ मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक अल्टरनेट ऑप्शन रेकमेंड करना चाहूँगा, जो कि काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी के साथ आता है, वो है रियलमी की टीवी। रियलमी के 2 TVs इस समय मार्केट में अवेलेबल है, 2021 मॉडल जो कि फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आता है, और एक है 2020 मॉडल जहाँ पर हमें 400 nits की ब्राइटनेस मिल जाती है, काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी, और 24 वॉट के 4 स्पीकर्स वहाँ पर हमें मिल जाते हैं 32 इंच के मॉडल में और 43 इंच वाले मॉडल में, दोनों में ही। तो वहाँ पर हमें पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है, भले वहाँ पर आपको लेटेस्ट OS नहीं मिलता है और पैचवर का सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन टीवी में आपको सारे स्मार्ट फीचर्स मिल जाते हैं और पिक्चर एंड ऑडियो टीवी की काफ़ी अच्छी है। और इस समय फ्लिपकार्ट पर जो सेल आएगी उसमें आपको टीवी शायद से 15,000 रुपये के प्राइस में मिल जाएगी, और जो 43 इंच वाला है वो भी आपको आई थिंक 23 20
टू तक आपको मिल सकता है, तो आप उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अगर आपका बजट थोड़ा सा अच्छा है, 20,000 रुपये तक स्पेंड कर सकते हो आप 32 इंच टीवी के लिए, तो आपको मैं पहली टीवी रिकमेंड करूंगा सैमसंग की टीवी। सैमसंग की टीवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी और सारे स्मार्ट फीचर्स मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग गूगल वॉइस असिस्टेंट, और सर्विस आपको काफ़ी अच्छी मिलती है सैमसंग में। अगर आप एंड्रॉयड में टीवी लेना चाहते हैं तो मोटरोला आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मोटरोला एंड नोकिया के नए टीवीज भी मार्केट में जल्दी आ सकते हैं, तो आप उनके लिए भी वेट कर सकते हैं, जहां पर आपको पिक्चर एंड ऑडियो क्वालिटी पे ज्यादा फोकस मिलता है, आपको पिक्चर एंड ऑडियो काफी अच्छे देखने मिलते हैं। तो यहां पर अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आपको रेडमी की टीवीज बाय करने चाहिए या फिर नहीं। बाय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीवी आपको निराश नहीं करेगी रेडमी की टीवीज, लेकिन आपको इनसे अच्छे ऑप्शन भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर बजट लिमिटेड है देन आप बाय कर लीजिए, बजट अच्छा है तो आप वेट कर लीजिए। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको अपने क्वेश्चन का आंसर यूट्यूब पर नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आईडी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी कमेंट करना है तो आप मुझे अपना बजट बताइए, स्क्रीन साइज बताइए, और आप टीवी किस पर्पस के लिए यूज करने वाले हो। लाइक बहुत से लोग सिर्फ ऑनलाइन कंटेंट देखते हैं ज्यादा, और बहुत से लोग जो है वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम ऑफलाइन कंटेंट देखते हैं डीटीएच या फिर सेटअप बॉक्स के थ्रू, तो आप अपना रिक्वायरमेंट जो है वो भी स्पेसिफाई कीजिए, ताकि मैं आपको और प्रिसाइज वे में रेकमेंड कर पाऊं। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रहा होगा, और इसी के साथ कॉइन स्विच ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिए और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट जल्दी शुरू कीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।